गुड मॉर्निंग कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आज हम विद्युत चैप्टर भागों में पढ़ेंगे ओहम का नियम। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या किसी चालक तार के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर के बीच में कोई संबंध है कि नहीं। तो इसी के बारे में ओहम नामक वैज्ञानिक ने, ओहम नामक भौतिक वैज्ञानिक ने, ओहम कहाँ का था तो आप कहेंगे कि सर ओहम जर्मनी का। ओहम नामक जर्मन विद्वान ने, जर्मन वैज्ञानिक ने क्या किया कि वो पता लगाया कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध है। इसी को हम आज ओहम के नियम से जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आप ओहम का नियम पढ़ेंगे और जब उसका ग्राफ बनाएंगे तो धारा और विभवांतर के बीच एक सीधी रेखा जाएगी और एक सीधा ग्राफ मिलेगा। इसी को ओहम का नियम कहते हैं। अगर आपको ओहम के नियम की परिभाषा देना हो स्टूडेंट, तो आप देंगे ओहम के नियम की परिभाषा कि निश्चित किसी निश्चित भौतिक परिस्थिति में चालक तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपात में होता है। आप परिभाषा लेंगे ओहम का नियम का कि किसी निश्चित भौतिक परिस्थिति में किसी चालक तार के दो सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपात में होता है। एक बार और सुनिए, ओहम का नियम क्या है। किसी निश्चित भौतिक परिस्थिति में किसी चालक तार के दो सिरों के बीच के विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दोनों का भी समानुपात होता है। देखिए भी समानुपात आई, भी समानुपात आई आपने लिखा। अब आप लिखेंगे जब समानुपात को आप हटाएंगे तो सिरे का आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो भी बराबर क्या हो गया? आई आर। आर क्या है? आर नियम। आर इसका मतलब क्या? आर कभी बदलता नहीं है। जब भी आर निर्धारण करेंगे तो आर कभी बदलेगा नहीं। आर क्या है? आर चालक तार का प्रतिरोध है। तो आप आर बराबर क्या लिख सकते हैं? भी बराबर आई आर। तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं? भी बाई आई। क्या लिख सकते हैं? भी बाई आई। तो आर क्या है? प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध किसे कहेंगे? ध्यान दीजिए, किसी चालक तार का वह गुण जिस उसके अंदर प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा का वह विरोध करता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक तार का वह गुण जो अपने अंदर प्रवाहित होने वाले आवेश का विरोध करता है उसी को हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। फिर सुनिए स्टूडेंट, किसी चालक तार का वह गुण जो अपने अंदर प्रवाहित होने वाले आवेश का विरोध करता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। फिर सुनिए ओहम का नियम क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठा विभवांतर विद्युत धारा में संबंध है। तो जर्मनी के वैज्ञानिक ओहम ने बताया 1827 में कि हाँ इनके बीच में संबंध है। क्या संबंध है? तो ओहम ने बताया कि किसी निश्चित भौतिक परिस्थिति में चालक तार के दूसरे के बीच का विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दोनों समानुपात में होती है। इसी को हम ओहम का नियम कहते हैं। ओहम का नियम बराबर भी समानुपात आई। जब समानुपात को हटाएंगे तो भी बराबर आई आर हो जाएगा। आर क्या है? आर क्या है? इसका मूल्य बदलता नहीं है कभी और इसे प्रतिरोध करते हैं। आर बराबर आप क्या निकाल सकते हैं? वाई आर निकाल सकते हैं। तो प्रतिरोध क्या है? किसी चालक तार का वह गुण जो अपने अंदर प्रवाहित होने वाले आवेश का विरोध करता है इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए प्रतिरोध को ओमेगा से दर्शाते हैं, इसे ओहम में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे प्रतिरोध किससे दर्शाते हैं तो आप कहेंगे प्रतिरोध को, आप कहेंगे हमारे स्टूडेंट प्रतिरोध को आप ओहम से दर्शाते हैं। आप देखिए प्रतिरोध में भी भाई आई आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं एक ओहम किसे कहें। ध्यान दीजिए, यदि किसी चालक तार के दोनों सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो, विभवांतर क्या हो? 1 वोल्ट हो और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओहम होगा। अगर आपसे पूछे कि 1 ओहम किसे कहते हैं, आप कहेंगे कि यदि किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा जो विद्युत प्रवाह है वो 1 एम्पियर हो तो प्रतिरोध 1 ओहम होगा। देखिए
एक ओम बराबर क्या लिखा है, एक वोल्ट बटे एक एम्पियर, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए वी बाय आर बराबर वी बाय आई है, तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं, वी बाय आर लिख सकते हैं। चलिए इस समीकरण का मतलब समझते हैं, समीकरण का मतलब देखिए आई और वी एक जगह पर है, एक ही सामने सामने, जो सामने सामने होगा। देखिए यदि परिपथ के स्रोत पर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, प्रतिरोध घटेगा, वोल्टेज बढ़ेगी तो धारा बढ़ेगी और प्रतिरोध क्या होगा घटेगा, वोल्टेज घटेगा तो प्रतिरोध पर प्रतिरोध वोल्टेज घटेगा तो धारा घटेगी और प्रतिरोध क्या होगा बढ़ेगा। कहने का मतलब है अगर धारा का मान बढ़ता है तो वोल्टेज बढ़ेगा, अगर धारा का मान घटता है तो वोल्टेज घटेगा, फिर उल्टा लेकिन वोल्टेज बढ़ेगा धारा बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगा धारा घटेगा। लेकिन अगर धारा का मान दुगना होगा तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा, और प्रतिरोध का मान दुगना होगा तो धारा क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अब देखिए एक टॉपिक है परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है। तो परिवर्ती प्रतिरोध क्या है स्टूडेंट, किसी भी स्रोत के वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन के परिपथ की धारा को नियंत्रित करने के उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि किसी भी स्रोत के वोल्टता में कोई परिवर्तन ना किया जाए और धारा को नियंत्रित किया जाए, तो इस युक्ति को हम परिवर्ती प्रतिरोध कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे कि किसी स्रोत के वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन के परिपथ की धारा को नियंत्रित करने के लिए जिस अवयव का उपयोग किया जाता है उसी को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए एक शब्द आ रहा है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या है, तो किसी परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को नियंत्रित करने के लिए, किसी परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को नियंत्रित करने के लिए एक युक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसी को हम धारा नियंत्रक कहते हैं। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चलिए माय स्टूडेंट पेज नंबर 231 आप लोग निकाल लीजिए, अब वहां तक हमने पढ़ लिया, अब इससे जुड़े कुछ सवाल देखेंगे, सवाल में डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए स्टूडेंट आपके जो सिलेबस है उसमें सिलेबस में कुछ टॉपिक को एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ उसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए डायरेक्ट वहां तक आपको सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सवाल कह रहा है एग्जाम्पल 12.3 है आपका, एग्जाम्पल 12.3 है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना है 1200 ओम है, यानी कि प्रतिरोध का मान कितना दे दिया आप निकालिए, प्रतिरोध क्या है आर है, आर का मान कितना दिया है 1200 ओमेगा। फिर कह रहा है यह बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी विद्युत धारा देगा, यानी वोल्ट दे दिया है, वोल्ट कितना दिया है वी का मान 220 वोल्ट, बोल रहा कितनी धारा लेगा, तो आई बराबर क्वेश्चन दे दिया है कितनी धारा लेगा। फिर स्टूडेंट इसमें एक सवाल और पूछा है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 है तो यह विद्युत हीटर 220 स्रोत से कितना ओम लेगा, यानी एक बार यह निकालना है, यानी ये तंतु बल्ब का प्रतिरोध है, अब यहाँ पे हीटर का प्रतिरोध, आप देखिए हीटर का प्रतिरोध कितना है 100 ओम है, कितना है 100 ओम है। अब बोल रहा है कि वोल्टेज कितना है वी का मान, आर का मान 100 दिया है, वी का मान 220 दिया है, तो बोल रहा है हीटर कितनी धारा देगा। दो सवाल है इसके अंदर, तो चलिए बारी बारी से हम हल करते हैं इसको, ठीक है। चलिए पहले हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे स्टूडेंट, आई का मान निकालेंगे, ठीक है। किसका मान निकालेंगे, आई का मान निकालेंगे, यानी पहले बल्ब में दो सवाल है, पहले बल्ब का निकाल लेते हैं, बल्ब में धारा का मान। समीकरण क्या है, वी बराबर आई आर है, वी बराबर क्या आई आर है, आई आर क्या हो जाएगा वी बाई आर, वी का मान कितना है 220, आर का मान कितना है 1200। आप इसको काटेंगे स्टूडेंट
इस प्रकार से आपका वायर आएगा 0.18 एम्पीयर, यानी विद्युत बल्ब में इतनी धारा बहेगी। अब दूसरा हीटर, हीटर में प्रवाहित धारा फॉर्मूला का भी बराबर आई आर, आई बराबर क्या होगा वी बाई आर, वी का मान कितना है 220 और आर का मान कितना है 100, आर का मान कितना है 100, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2.2 एम्पीयर। यानी आपसे सवाल कह रहा था कि एक तंतु में बल्ब कितना है जिसका प्रतिरोध 1200 ओमेगा है और उसका वोल्टेज 220 है, धारा कितनी होगी। दूसरा सवाल उसने दिया है कि एक हीटर है जो 220 वोल्टेज से जुड़ा है, उसका प्रतिरोध 100 है, धारा कितनी होगी। तो आपका फॉर्मूला है वहां का नियम से भी बराबर आई आर, तो बल्ब की धारा क्या लिया आई बराबर भी बाई आर, अभी का मान रखिए आर का मान रखिए काटिए आपका आई का मान मिल जाएगा। इसी प्रकार हीटर में धारा निकालेंगे भी बराबर आई आर की फॉर्मूला लगाइए आई बराबर भी बाई आर, भी का मान कितना लिया 220 और आर का मान कितना 100 काट दीजिए 2.2 एम्पीयर आएगा। इस प्रकार से ये सवाल आपका खत्म हुआ। चलिए हम अगला सवाल अब देखते हैं। चलिए भाई डियर स्टूडेंट अब हम एग्जाम्पल 12.4 देखते हैं। ठीक है देखिए 12.4 में क्या दिया है कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर धारा लेता है, यानी हीटर है क्या सवाल में, हीटर क्या कर रहा है कितनी धारा ले रहा है, आई बराबर 4 एम्पीयर धारा ले रहा है। अब देखिए तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना है 60 है, यानी जब 4 एम्पीयर धारा ले रहा है विभवांतर 60 है यानी भी बराबर 60 है। फिर कह रहा है उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, यानी यहाँ पर इस समय विद्युत धारा 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनल का वोल्टेज कितना है 60 है। अगर वोल्टेज को 120 कर दिया यानी V1 था, अब वोल्टेज को V2 करके 120 कर दिया जा रहा है, तो कह रहा है कि अब धारा कितना लेगा, यानी जब 4 एम्पीयर धारा था तो 60 वोल्टेज था और अब वोल्टेज दुगना है तो धारा कितनी होगी। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जितना धारा बढ़ेगा उतना ही वोल्टेज बढ़ेगा, यानी आपको उसको हल करने की जरूरत ही नहीं है। आप कह सकते हैं कि वोल्टेज क्या 60 से 120 यानी वोल्टेज डबल हुआ है तो धारा भी क्या हो जाएगी दुगनी हो जाएगी, यानी 4 का 8 हो जाएगा। चलिए हम इसको हल करते हैं। ठीक है अब ओहम के नियम से, ओहम के नियम से वी बराबर आई आर, आर बराबर वी बाई आई, तो वी का मान कितना है 60 है 4, आर बराबर कितना होगा 15 ओमेगा, कितना होगा 15 ओमेगा, कितना होगा स्टूडेंट 15 ओमेगा। अब देखिए अब धारा का मान निकालना है, तो हमने प्रतिरोध निकाला क्योंकि आपको प्रतिरोध नहीं मालूम था। अब देखिए ओहम के नियम से देखिए वी बराबर आई आर, देखिए आई वन ये है वी वन ये है आर वन मिल गया। अब देखिए यहाँ पर आर वन जो है वही तो है आर वन, क्योंकि उससे जो वोल्टेज बढ़ाया जा रहा है ना ये आर वन ही होगा, और क्या होगा हमें आई टू निकालना है, आई टू बराबर वी बाई आर, ये आई टू है वी टू है वी टू ये आर वन ही होगा। अब देखिए वी टू का मान कितना है 120, आर वन का 15 है, 15 8 108। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया। चलिए माननीय स्टूडेंट अब हमारा अगला टॉपिक है प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। याद रखिए अभी तक हमने सरल विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ा था, अब हमें यहाँ पर प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है। प्रतिरोधकों को संयोजित करने की दो विधि, एक श्रेणी है और दूसरा है समांतर, एक श्रेणी क्रम संयोजन है और एक समांतर क्रम संयोजन है, या इसे आप कह सकते हैं पार्श्व क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन।
यानी कि प्रतिरोधकों में प्रतिरोधकों का दो प्रकार का संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम होता है। तो देखिए जब प्रतिरोध को देखिए मैं आपको श्रेणी क्रम कैसे होता है समांतर कैसे होता है दोनों बताता हूं। देखिए आप श्रेणी मतलब एक सीधे क्रम में रख दीजिए, देखिए आर वन आर टू आर थ्री मैंने प्रतिरोध को क्या कर दिया है एक श्रेणी में रख दिया है। अब करना क्या है इन्हीं प्रतिरोधकों से स्टूडेंट ऐसा करके आपको वोल्टेज जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है क्या जोड़ देना है वोल्टेज जोड़ देना। ध्यान दीजिए वोल्टेज हमेशा इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, जोड़ दिए तक। अब देखिए अब आपको यहाँ पर ऐसे घुमाइए ऐसा लेके आइए और यहाँ पर ए मीटर जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए ए मीटर जोड़ दिए। चलिए ऐसा खींच दीजिए खींच दिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि बाया बाया देखिए अब यहाँ पर प्लस जोड़ दीजिए यहाँ पर माइनस जोड़ दिए। अब आइए ऐसा घुमाइए ऐसा घुमाए। अब देखिए यहाँ पर प्लस है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और ये माइनस, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं इसको जोड़ दीजिए ठीक है। और ये क्या है आपका बैटरी है, क्या है बैटरी, क्या है बैटरी है। और यहाँ पर आप कुंजी जोड़ दीजिए कुंजी यानी स्विच के जोड़ दिए। चलिए देखिए विद्युत धारा ऐसे जा रही है, अब ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी, इस प्रकार विद्युत धारा क्या होगी गिरेगी, इसी प्रकार से यहाँ जाएगी यहाँ जाएगी और यहाँ ठीक है। तो हमेशा धारा की गति होगी वो धन से ऋण की तरफ होगी, कहाँ होगी धन से ऋण की तरफ। देखिए धन से इधर से जा रहा है ऐसे जा रहा है धन से ऋण की तरफ। देखिए जब एक दो तीन श्रेणी में जुड़ा हो तो ऐसे संयोजन को हम श्रेणी संयोजन कहते। इसी प्रकार से अब आप देखिए मैं समांतर आपको बताता हूँ, देखिए कैसे समांतर क्रम संयोजन होता है देखिए स्टूडेंट ठीक है। चलिए तीनों किसी एक देश को लाकर जोड़ दिए ऐसे, देखिए ऐसा जोड़े। अब देखिए यहीं से आप वोल्टेज निकाल दीजिए, यहीं पे आप वोल्टेज जोड़ दीजिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस ये आर वन आर टू आर थ्री ठीक है। अब यहाँ पर आप ए मीटर जोड़ दीजिए ये प्लस ये माइनस, अब यहीं पर आप बैटरी लाकर जोड़ दीजिए ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर आप कुंजी जोड़ दीजिए इसको ऐसे लाकर धारा कैसी होगी धारा ऐसी होगी ठीक है। देखिए सीधा सीधा जुड़ा है तो श्रेणी, ऐसे जुड़ा है तो समांतर, एक कुछ ऐसा है समांतर एक दूसरे के समांतर आपने पढ़ा है, ये क्या है समांतर का चिन्ह ठीक है। और एक क्या श्रेणी क्रम संयोजन है, ये क्या है समांतर क्रम संयोजन। तो स्टूडेंट आज के इतना ही, हम देखते हैं और कल हम श्रेणी संयोजन में प्रतिरोधक देखेंगे, इसके बाद हम अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।